वेलकम टू बीटीएस न्यूज़, मोहम्मद वसीम अकरम। आइए देखिए आज की ताजा खबर। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन के तरफ से खास करके चादर घाट और सईदाबाद पुलिस स्टेशन लिमिट में पिछले कुछ दिनों में दो सेंसेशनल प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हुए थे। ये दोनों पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स एक रिकॉर्ड टाइम में ये दोनों केस को डिटेक्ट किए और अरेस्ट और उसके बाद सीजर से पता चला कि टोटल जो प्रॉपर्टी सीज हुआ है वो लगभग 12,50,000 रुपए का है, जिसमें गोल्ड ऑर्नामेंट 22 तोलास का भी रिकवरी हुआ। ये जो पहला केस है जिसके कंप्लेनेंट हैं श्रीमती आर लक्ष्मी प्रसन्ना, वाइफ ऑफ साई राम कृष्णा, एज 60, ये हाउसवाइफ का काम करती हैं, म्यूनिसिपल कॉलोनी चादरघाट हैदराबाद। और ये 10-11 तारीख अक्टूबर के रात को ये इंसिडेंट हुआ और नेक्स्ट डे ये लोग करीब 10:30 में पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेन करें। इनमेट एब्सेंस का जो एमओ है जिसके तहत क्रिमिनल एक रॉड से तोड़ करके लॉक ब्रेक करके अंदर गए और उसके बाद अलमीरा से ये लोग पूरा सामान निकाले। अरेस्ट के बाद डिटेल ऑफ ऑफेंडर्स क्रिमिनल जिनका अरेस्ट हुआ उनका डिस्क्रिप्शन इस तरह से है। मोहम्मद कादर मोइनुद्दीन अयूब, एलियस अयूब, सन ऑफ लेट मोहम्मद इब्राहिम, ये सोफा वर्कर का काम करता है। उसके बाद मोहम्मद जमीन हुसैन, एलियस अबू, ये ECIL के पास काम करता है कापरा म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में। मोहम्मद मखदूम शाह अली, ये साइकिल पंक्चर शॉप का के दुकान में काम करता है नालगोंडा क्रॉस रोड। और वेमुला साई कुमार जो कि लेबरर का काम करता है। इसके पहले मोहम्मद कादिर मोइनुद्दीन अयूब, इसके ऊपर काफी सारे क्राइम के का हिस्ट्री है। मीर चौक पुलिस स्टेशन में ये एक मर्डर केस में भी इन्वॉल्व था पहले। सईदाबाद पुलिस स्टेशन में एक अटेम्प्ट टू हाउस ब्रेक, चादर घाट में एक हाउस थेफ्ट और रिसेंटली फरवरी 2019 में ये जेल से बाहर निकला और उसके बाद अगेन ये दोबारा ये क्राइम का एक्टिविटी शुरू किया। अक्यूज टू मोहम्मद जमीन हुसैन एलियस अबू, ये भी सईदाबाद पुलिस स्टेशन में 2 HB, सरून नगर पुलिस स्टेशन में 1 ordinary थेफ्ट, चतन्यापुरी पुलिस स्टेशन में 1 HB, चादरघाट पुलिस स्टेशन में 1 HB, मीरपेट में 1 NDPS एक्ट में इसके पहले इन्वॉल्व है। मोहम्मद मखदूम सामी शाली, ये भी सैफाबाद चादरघाट और मीरपेट केस में इन्वॉल्व है। और जो फोर्थ ऑफेंडर है वेमुला साई कुमार, ये चादरघाट पुलिस स्टेशन के अलावा मीरपेट में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ये पूरे ऑपरेशन में हमारे जो ऑफिसर जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उसमें डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर सेशु ऑफ चादरघाट, DSI संदीप ऑफ अफजलगंज, DSI नरेश कुमार ऑफ सुल्तान बाजार, प्रवीण कुमार DI ऑफ अफजलगंज, नागराजू SHO ऑफ चादरघाट और पूरे टीम मेंबर जिसमें खास करके हमारे कांस्टेबल ऑफिसर इमरान, कांस्टेबल ऑफिसर मोहम्मद बाबा और M साई कुमार अंडर द लीडरशिप ऑफ P देवेंदर ACP सुल्तान बाजार एंड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ T गोविंद रेड्डी एडिशनल DCP ईस्ट जोन के अंडर में ये बहुत अच्छा काम हुआ है। जो दूसरा केस था जिसमें कि टोटल 5,89,000 के लगभग का रिकवरी हुआ कैश और एक सेलफोन, सब मिलाकर लगभग 6,00,000 का, और ये सईदाबाद का केस है जिसमें कि कंप्लेनेंट गोविंद अग्रवाल जो मैनेजर है पार्ले बिस्किट फैक्ट्री में धोबी घाट सईदाबाद, और इसमें भी वो इनमेट एब्सेंस का ही है। फर्क यही है कि ये आनंद बिस्किट फैक्ट्री में हुआ और इसमें उनके कैशियर टेबल से ये सब कुछ निकाला गया। इस केस में पूरे रिकवरी होने के बाद जो अरेस्ट हुए लोग उन सबको रिमांड कर दिया गया है। और दूसरे केस में हमारे DI P सुरेश, DSI P माधव कुमार, K श्रीनिवास SHO ऑफ सईदाबाद और उनके साथ हमारे कांस्टेबल ऑफिसर वंशी, कांस्टेबल ऑफिसर K अशोक कुमार सईदाबाद पुलिस स्टेशन के अंडर द गाइडेंस ऑफ M सुदर्शन ACP मलकपेट एंड ओवरऑल सुपरविजन T गोविंद रेड्डी एडिशनल DCP ईस्ट जोन, सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी काम की शाबाशी देते हैं उनको।
और ऐसे मौके पे प्रेस के तरफ से, मीडिया की तरफ से पब्लिक को एक अपील भी करते हैं कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, खास करके अगर आप लंबे समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप लोकल पुलिस ऑफिसर जो है, हमारे सेक्टर ऑफिसर, ब्लू कोल्ट ऑफिसर, पेट्रोल कार ऑफिसर, उनको बता कर जाइए, जिसमें कि हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर जब भी उस एरिया से गुजरे तो आपके घर पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और ऐसे मौके पे आप अपने नेबर्स को भी बता सकते हैं, जिसमें कि अगर नेबर्स कुछ सस्पिशियस चीज देखें तो तुरंत डायल 100 करके पुलिस को अलर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।